हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर के अंदर वीपीएन कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है वीपीएन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो साइट्स हमारे देश में बंद कर रखी है सरकार ने, उन साइट्स को खोलने के लिए हम वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी मूवी साइट है, पॉन साइट है, उनको हम वीपीएन के द्वारा आसानी से खोल सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कंप्यूटर के अंदर कैसे वीपीएन यूज़ करता है, तो ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको दो ब्राउज़र में इसका उपयोग करके दिखाऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर बताऊंगा क्यों ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद मोर टूल पे क्लिक कीजिए और एक्सटेंशन पे क्लिक कर लीजिए। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद में आपको जो इसका स्टोर है, हमें इसके स्टोर के अंदर जाना है। स्टोर के अंदर जाने के बाद में यहाँ आपको एक, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे नोट पे ये लिख रखा है ब्राउज़र, तो ये हमें टाइप करना है क्योंकि हमें ये वाला वीपीएन चाहिए होगा। तो जो ये वीपीएन है आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है और एंटर दे देना है। एंटर देने के बाद में जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये जो वीपीएन, हमें इस वीपीएन को हमारे जो कंप्यूटर उसके अंदर हमें ऐड कर लेना है। जैसे आप ऐड करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा। बहुत सारे वीपीएन मैंने दोस्तों ट्राई किया है लेकिन ये वीपीएन हाल में लेटेस्ट है क्योंकि वीपीएन बार बार बदलते रहते हैं। तो हाल फिलहाल ये लेटेस्ट चल रहा है क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो आप इसका यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये वीपीएन ऐड होगी। अब इसके बाद आप कौन सी भी साइट ओपन कर लीजिए, सब की सब साइट चलेगी। जो भारत सरकार ने बंद कर रखी है वो सभी की सभी साइट चलेगी। इसके बाद में आपको जो ये वीपीएन है उसके आइकन पे क्लिक करना है और ये लिख रखा प्रोटेक्ट मी, तो इस पर क्लिक करो। बस ये वीपीएन स्टार्ट हो गया। अब कोई भी साइट चलाओ जो आपका दिल करता है। तो ये है पहला तरीका कंप्यूटर में वीपीएन चलाने का, मतलब ब्राउज़र के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी आते हैं दोस्तों लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं आपको ब्राउज़र के अंदर बता रहा हूँ वीपीएन यूज़ करने के बारे में। अभी जो ये तरीका है दोस्तों ये ज़्यादा स्थायी नहीं है। स्थायी इसलिए नहीं क्योंकि वीपीएन चेंज होते रहते हैं। कुछ दिन बाद अगर इसको पैसों के लिए भी कर देंगे कि भाई पैसे मांगते हैं, फ्री नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो पूरी तरह फ्री है, वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा, आप चाहे जब यूज़ कीजिए। वो उस वीपीएन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओपेरा ब्राउज़र है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि ओपेरा ब्राउज़र के अंदर एक वीपीएन इन्होंने डाल दिया है फ्री में, एकदम कोई फालतू का लफड़ा नहीं, बस ब्राउज़र डाउनलोड करो और उसको चलाओ। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हमें सेटिंग में जाना होगा। अगर आपको सेटिंग दिखाई नहीं दे रही है आपके ब्राउज़र के अंदर तो आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए माउस का। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हमें ऑप्शन आने के लिए लेफ़्ट क्लिक करना और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐसा क्लिक करेंगे तो सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन आने के बाद में हमें यहाँ पर प्राइवेसी का एक एडवांस के अंदर प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस एडवांस पे क्लिक करना और प्राइवेसी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे करना, नीचे आना बिल्कुल, और यहाँ पर एक जगह लिख रखा होगा वीपीएन। आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आप ढंग से देखना, एक ऑप्शन लिख रखा होगा वीपीएन। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना और वीपीएन पे क्लिक करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये लिख रखा है वीपीएन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं नीचे लिख रखा है वीपीएन। तो यहाँ पर हमें बस इतना सा करना है, जो ये वीपीएन लिख रखा है ना इसके आगे जो ये बॉक्स है ना, ये बटन, इसको ऑन कर देना। बस इसमें बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है। बस ये करने के बाद आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वीपीएन लिखा हुआ आगे, यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वीपीएन ऑन कर लीजिए और यहाँ पर कंट्री भी दिखाई देगा आपको, चार कंट्री। तो बस आप इसके अलावा कोई भी साइट चलाइए, जो भी आपको साइट चलानी है वो साइट चलाइए, सब ब्लॉकिंग जो ब्लॉक कर रखी साइट वो सभी साइट चलेगी। बस ये दो तरीके हैं दोस्तों कंप्यूटर वीपीएन चलाने के, मतलब जो सरल तरीके है। अगर आप भी चलाना चाहते हैं चलाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।